वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कवर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का फिफ्थ टेस्ट मैच 10 सितंबर को ओल्ड ट्रैफर्ड के स्टेडियम में खेला जाएगा, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ ड्रीम इलेवन टीम जो सबसे बेस्ट होगी, जो आपको विनिंग करा सकते हैं। तो उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, तो क्योंकि हमारी ड्रीम इलेवन टीम का फाइनल प्लेइंग इलेवन हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उससे पहले हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो हम आ गए अपने फैंटास्टिक क्रिकेट एप्लीकेशन के ऊपर, तो हम आप चलिए अपने टीम को क्रिएट करते हैं। तो मैं विकेट कीपर में आप जॉनी बेस्टो को भी ले सकते हैं, चाहे तो आप ऋषभ पंत को भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों को लूँगा अपनी टीम में शामिल करना चाहूँ। आप बैट्समैन में आपके पास जो रूट, रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल देडमालान, चेतेश्वर पुजारा, ओली पॉप जैसे ऑप्शन है, पर आप जो रूट को अपनी टीम में ज़रूर शामिल करें और रोहित शर्मा को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा पिछले मैच में मैच विनिंग प्लेयर थे, तो आप विराट कोहली और राहुल को ले सकते हैं। आप ऑलराउंडर में क्रिस बॉक्स और जड्डू को आप अपनी टीम में शामिल करें, और वही बॉलर में आप रॉबिन्सन और शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को अपनी टीम में शामिल करूँगा, आप चाहे तो एंडरसन को भी अपनी टीम में शामिल कर ले। यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन आप जो रूट को आँख मूंद कर आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप जानते भी होंगे सीरीज में कैसे कैसे खेल रहे हैं। और वाइस कैप्टन मैं विराट कोहली को बनाऊंगा, आप चाहे तो क्रिस बॉक्स या शार्दुल ठाकुर या जडेजा को बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर विराट कोहली को बनाऊंगा। ये हमारी फाइनल टीम है, और फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ मेरा फाइनल टीम का स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।